गाइस ये है मेरा मोटो एच 40। मैंने इसको हाल ही फिलहाल में बाय किया था फ्लिपकार्ट से। बहुत लेट किया यार फ्लिपकार्ट, यार तुम बहुत लेट किए मेरे फोन को। और अभी जो है ना इस पे ना सुनने में आया था कि बहुत ज्यादा स्क्रैचेस लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। तो मैं गया मार्केट में इसका गार्ड ढूंढने, तो मेरे को तो मालूम ही था कि गार्ड तो मिलेगा नहीं इसका, क्योंकि है ये मोटो का ना गार्ड मिलता है ना कवर मिलता है। तो मैंने भैया को बोला कि ये लो फोन और मेरे को कोई भी गार्ड लगा के दो। उन्होंने मुझे दिया वीवो V25 प्रो का ग्लास, तो मैं उसको लगा के बताऊंगा आपको कि परफेक्टली बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है ग्लास। गाइस अभी जो हम रात के कितने बज रहे, रात के 2:08 हो रहे हैं और हमको जो है ना ये गार्ड जो है सदब भाई ने लाके दिए गार्ड। थैंक्स टू सदब भाई। ट्विटर पे देखे थे कि OnePlus 8 का गार्ड इसमें लग जाएगा, लेकिन वो भी नहीं लग रहा था। ये है वीवो V25 प्रो का ग्लास है करो, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या सामग्री लग रही है, ये तो अपना एक ग्लास हो गया, ये एक अपना ये क्लॉथ तो रहता ही है, और मेन जो है ये ग्लू, यूवी ग्लू। इसको अगर तुमने मतलब नहीं लगाया तो सदब भाई का कहना है कि लगेगा ही नहीं हो, तो अपन ये भी देखेंगे कि लगेगा। और ये क्या लाइट है, इससे क्या होंगे रे भाई? ग्लू चिपकता, ग्लू इसी से चिपक सूखता है मतलब। अच्छा ग्लू इसी से सूखता है, ऐसा ऐसा करके लगाएंगे। एग्जैक्टली। और इसको अपन ने ना फ्लैट सरफेस पे रखना है, जैसे कि अभी इसका जो कैमरा है कैमरा बम बहुत ज्यादा है, तो अपन इसको रखेंगे तो साला ऐसा ऐसा होगा। कोई भी फ्लैट सरफेस, मैंने तो इस पे रखा हूं इसको, ठीक है। और इसके अंदर बबल नहीं होना चाहिए, अगर एक जरा सा भी अगर इसके अंदर कुछ पार्टिकल आ गया तो कर्व को आप निकाल नहीं सकते, वो चक्कर में टूट जाएगा। एकदम साफ जगह पे बैठना है आपको और एकदम कंफर्टेबल बैठना है, और लाइट वाइट लगेगा तो टॉर्च उच मार देना। हम लोग ने तो ये वाली लाइट लगाए भाई, गरीबों वाली। तो जैसे आप देख सकते हो सदब भाई जो है, जब से देख रहा हूँ मैं इसको साफ ही करते जा रहे, एक भी डस्ट पार्टिकल इस पे नहीं लगने को ना। और अभी ये क्या कर रहे हैं, चिकल पट्टी लगाए है इसको पूरा डस्ट निकालने के लिए। देखो पूरा डस्ट जो है इससे निकल जाएगा। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा, और जो भी आपके घर में एक्सपर्ट होगा ना उसको लगाने देना। अभी 2-3 चिकल पट्टी मार दिए है, और ये नीचे डस्ट क्लीनिंग फिल्म ये यहाँ नीचे क्यों लगाया भाई? लीकेज होके वो स्पीकर में नहीं जाना। अच्छा लिक्विड जो है लीकेज होके स्पीकर में नहीं जाना चाहिए। वैसे वो IP68 रेटिंग के साथ आता है वो, फिर भी तो मैं बता देता हूँ आपको इसमें एक चीज की, सदा भाई ने ये तो लगा लिए है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये है कि अगर आपका फोन में पानी घुसता है तो कंपनी क्लेम करके नहीं देगी, आप इतना जान लो। तो सदा भाई हो गया क्या साफ सफाई? तो भाई जब तक ये सदा भाई साफ कर रहे हैं, जब तक ये सब्सक्राइब कर दो आप। देखिए इसको बहुत एहतियात से करना पड़ता है लिक्विड को। हाँ ये निकाले है भैया ने और ये लगा रहे हैं, लिक्विड पूरा डाल दिए है और लगा रहे हैं उसको। वाह ये तो नया आइटम हो गया। वाह और ये लग रहा है भाई, गजब हो गया। तो अच्छा अब ये लिक्विड डाल दिए है, अब इसको अपने को सुखाना है लाइट से। ग्लू तो नहीं लेकिन ऑयल लग रहा है कोई। पूरा ग्लू भी लगाना जरूरी है, इसीलिए ऑटोमेटिक पूरा कवर हो गया। अगर ग्लू कम पड़ता तो यहाँ पे आके अटक जाता हूँ कॉर्नर्स पे। तो मैंने ना ये ग्लास लगा लिया हो गाइस, बहुत टाइम लगा इसको लगाने को और बहुत मेहनत लगी। मेरे दोस्त ने सदफ ने बहुत मेहनत किया इस पे, रात में 2 बजे जैसे कि मैंने वीडियो में बोला। तो अभी मैं देख रहा हूँ जैसा सैमसंग के पहले के फोन में आते थे ना कर्व ग्लास, तो उसमें जो है ना पहले दिन लगाओ और दूसरे दिन निकल जाता, लेकिन इसमें वैसा कोई चीज नहीं हुआ। मतलब ग्लू है या ऑयल है पता नहीं, तो वो ऐसा चिपक गया है ना उसमें कि अभी तक के कुछ तो बबल नहीं आया मेरे को। मतलब ये मैं एक दिन बाद जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, ये एक दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें भी कुछ भी जो है, देखो लाइट वेट मार के बताऊंगा, कुछ भी बबल नहीं दिख रहे। जबरदस्त लगा और फिटिंग तो बहुत प्यारी है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वीवो V25 प्रो का ये ग्लास लगाया हम लोग ने। तो गाइज यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। बाय बाय।